पाकिस्तान में जरूरतमंद अफराद को मुफ्त तबी सहूलियात और इलाज फराहम करने के हवाले से यॉर्कशायर अदबी फोरम की जानिब से बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में रंगारंग फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर बारी ने मुफ्त इलाज तबी सहूलियात अतियात और अस्पताल के हवाले हाजरीन को मालूमात फराहम की। उन्होंने इंडस अस्पताल के अखराजात फराहम की जाने वाली खिदमात और मुस्तकबिल के लाहे अमल से भी हाजरीन को आगाह किया। फंड रेजिंग में सियासी समाजी रहनुमाओं समेत फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द एक्सपर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह वो आगे आते हैं और जिस तरह की इस कॉज के हवाले से सपोर्ट करते हैं हमें, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक देम। मेरी बहन बुशरा ने एक बड़ी खूबसूरत बात अंदर की, जब हम सबसे छोटा वो 15 पाउंड वाला बात कर रहे थे कि हमें बच्चों को लाना चाहिए, अपने बच्चों को लाना चाहिए ताकि उनको ये आदत उनके अंदर डेवलप हो कि देना है और उनको देना है जो डिज़र्व करते हैं और पाकिस्तान के लिए देना है। अगर हम ये शऊर अपने बच्चों में डाल लें तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब कोई भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम से दो चार होगा पाकिस्तान में। इंडस हॉस्पिटल, आपको पता ही है कि पूरे मुल्क में हॉस्पिटल का चेन चला रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है लोगों को, और ये सब मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, मरीजों की दुआओं से और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं। तो इस साल के अंदर हमने बहुत तरक्की की है और हमारे जो हॉस्पिटल कराची का एक्सपेंड हो के 1350 बेड पर जा रहा है, लाहौर में 600 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। हमारा जो है ना, हमने यही प्लान बनाया था कि हर सूबे के हेडक्वार्टर में हम बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी हमारा एक यूनिट जो है ना अब्बासपुर में चल रहा है, लेकिन अभी इंशाल्लाह मीरपुर की तरफ हमें एक और हॉस्पिटल की तरफ बातचीत हो रही है, और इंशाल्लाह क्योंकि हम समझते हैं कि कश्मीर में बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कश्मीरी हैं जो कि उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ पर हो, और मुझे यकीन है कि यहाँ से सपोर्ट होगी तो और बहुत जल्द वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेडफोर्ड में होने वाले फंड रेजिंग की तकरीब के शुरका ने गरीब लोगों को मुफ्त मयारी तिबी सहूलियात फराहम करने की कोशिशों को खूब सराहा और दिल खोल कर अतियात पेश किए। नामवर फनकार नुमान एजाज ने अपनी शिरकत से तकरीब के रंगों को मजीद गहरा किया और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हुबुल वतनी और खिदमत खल के जज्बे की तारीफ की।